फर्ज करें तेल के ऊपर सब्सिडी है, अगर 80-90 रुपए तक सब्सिडी गई तो ये लम्हा फिक्रिया है ना कि एक मजदूर जो एक लीटर तेल डलवा के अपनी मजदूरी करने जाता है और वापस आता है वो 80 रुपए सब्सिडी लेता है, और लैंड क्रूजर वाला 100 लीटर तेल डलवाता है वो 8,000 रुपए की सब्सिडी लेता है, किस बात की? जो बंदा अरबपति है वो भी वही तेल इस्तेमाल करे, और जो बंदा मजदूर है दिहाड़ीदार है वो भी उस पर सब्सिडी वाला तेल इस्तेमाल करे। क्या ऐसी सब्सिडी जारी रह सकती है? पाकिस्तान के अंदर 80% तेल इस मुल्क का 20% जो टॉप का तबका है, जो उमरा है या जो वसायल वाले लोग हैं वो इस्तेमाल करते हैं, उनको भी सब्सिडी वाला तेल दिया जाए, ये निज़ाम नहीं चल सकता। और इसके लिए हुकूमत ने पहले भी कोशिश की, BISP के रेसिपिएंट्स के जरिए जो उससे फ़ायदा लेते हैं, जो जिनको जो इमदाद दी जाती है उनकी मद, उस मद में 2,000 रुपये का इजाफा किया गया, 28 बिलियन रुपये का एक पैकेज दिया गया, और अब फिर अवाम की मुश्किलात के सामने रखते हुए टारगेटेड सब्सिडी का आगाज़ करते हुए कल फाइनेंस मिनिस्टर ने 2,000 रुपये मजीद, वो 80 लाख खानदानों के लिए हैं, 60 लाख खानदानों के लिए या 60 लाख अफराद के लिए मजीद एक कुशन रखा है, एक विंडो खोली है, ताकि उसके ज़रिए हम टारगेटेड लोगों को सपोर्ट फराहम कर सकें। जब हम अपने तौर पे देखते हैं तो 2,000 रुपये कुछ भी नहीं है, लेकिन जिस मजदूर की आमदन 20,000 है उसके लिए 2,000 बहरहाल 10% है, लिहाजा उसके अंदर उसके बजट में उसका ज़रूर कोई ना कोई इम्पेक्ट आता है, ये काफ़ी नहीं है, लेकिन हुकूमत के पास और कोई चारा नहीं है।